मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में बुकमार्क्स संयोजन और प्रिंटिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम बुकमार्क्स के बारे में सीखेंगे। हम बुकमार्क्स संयोजित करना, फ़ायरफ़ॉक्स पेज को सेटअप करना, प्रीव्यू और प्रिंट करना भी सीखेंगे। यहाँ हम उबंटु 10.04 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्जन 7.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र खोलते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से याहू होम पेज खुलता है। अक्सर उपयोग के पेज पर नेविगेट करने के लिए बुकमार्क्स आपकी मदद करते हैं। हमने एक पिछले ट्यूटोरियल में बुकमार्क्स के बारे में थोड़ा सीखा था। हमने जीमेल के लिए बुकमार्क भी जोड़ा था। जीमेल होम पेज को खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। आपको जीमेल होम पेज पर ले जाया जाएगा। क्या आपने एड्रेस बार में जीमेल एड्रेस की दाएं तरफ के पीले स्टार पर ध्यान दिया? यह दर्शाता है कि इस साइट को बुकमार्क कर दिया है। आप बुकमार्क का नाम बदलने के लिए स्टार का उपयोग कर सकते हैं और इसे एक अलग फोल्डर में रख सकते हैं। जीमेल का नाम माय जीमेल पेज में बदलें और इसे माय न्यू बुकमार्क्स नामक नए फोल्डर में रखें। एड्रेस बार में पीले स्टार पर क्लिक करें। एडिट दिस बुकमार्क डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। नेम फील्ड में माय जीमेल पेज दर्ज करें। फोल्डर ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें और चूज चुनें। बुकमार्क्स मेन्यू चुनें और न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। एक न्यू फोल्डर बनता है। इस फोल्डर का नाम माय बुकमार्क्स से बदलें। टैग्स में ईमेल टाइप करें। टैग्स हमें बुकमार्क्स को श्रेणीबद्ध करने में मदद करते हैं। आप एक बुकमार्क के साथ कई टैग्स जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक शॉपिंग साइट को बुकमार्क करते हैं, आप इसे गिफ्ट्स, बुक्स या टॉयज इन शब्दों के साथ टैग कर सकते हैं। डन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से आप पेज को बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल और डी की भी दबा सकते हैं। मेन्यू बार से बुकमार्क्स पर क्लिक करें। बुकमार्क्स मेन्यू में माय बुकमार्क्स फोल्डर दिखाई देता है। फोल्डर पर कर्सर रखें। यहाँ माय जीमेल पेज बुकमार्क सेव किया है। अब एड्रेस बार में ईमेल टैग टाइप करें। ध्यान दें कि माय जीमेल पेज साइट सूची में पहले विकल्प के रूप में दिखाई गई है। तो आपने बुकमार्क का नाम बदल दिया, इसे दूसरे फोल्डर में सेव किया और टैग से इसका पता लगाया। अब www.google.com वेबसाइट को बुकमार्क करें। एड्रेस बार में एड्रेस चुनें और इसे डिलीट करें। अब www.google.com टाइप करें। एंटर दबाएं। अब एड्रेस बार के दाहिने कोने में स्टार पर क्लिक करें। गूगल वेबसाइट बुकमार्क हो गई है। इसी तरह चार अधिक साइट बुकमार्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल, याहू, फायरफॉक्स एडऑन्स और उबंटू। ध्यान दें कि हमने इन बुकमार्क्स को फोल्डर में सेव नहीं किया है और हमारे द्वारा बनाए बुकमार्क हम डिलीट कैसे करें। बेशक आपने पहले ही एडिट दिस बुकमार्क डायलॉग बॉक्स में रिमूव बुकमार्क बटन देखा है। www.google.com बुकमार्क को डिलीट करें। एड्रेस बार में www.google.com टाइप करें। पीले स्टार पर क्लिक करें। एडिट दिस बुकमार्क डायलॉग बॉक्स में रिमूव बुकमार्क बटन पर क्लिक करें। मेन्यू बार से बुकमार्क्स और माय बुकमार्क्स पर क्लिक करें। बुकमार्क्स मेन्यू में अब गूगल बुकमार्क दिखाई नहीं देता। अपने बनाए हुए बुकमार्क्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप कई तरीकों से बुकमार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपके द्वारा बुकमार्क की गई साइट को एक्सेस करने का आसान तरीका है कि एड्रेस बार में नाम टाइप करें। एड्रेस बार पर क्लिक करें, प्रदर्शित एड्रेस को चुनें और इसे डिलीट करें। अब एड्रेस बार में जी अक्षर टाइप करें। ध्यान दें कि जी अक्षर से शुरू होने वाली वेबसाइट्स की एक सूची दिखाई देती है। यह वही साइट्स हैं जो आपने बुकमार्क, टैग या विजिट की हैं। आप अपने बुकमार्क्स को लाइब्रेरी विंडो में देख और व्यवस्थित कर सकते हैं।
मेन्यू बार से बुकमार्क्स पर क्लिक करें और शो ऑल बुकमार्क्स चुनें। लाइब्रेरी विंडो खुलती है। डिफॉल्ट रूप से आपके बनाए हुए सभी बुकमार्क्स अनसॉर्टेड बुकमार्क्स फोल्डर में सेव होते हैं। ध्यान दें कि याहू, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, उबंटु और फायरफॉक्स एडॉन्स बुकमार्क यहाँ सूचीबद्ध है। मानते हैं कि हम बुकमार्क्स मेन्यू में याहू इंडिया बुकमार्क जोड़ना चाहते हैं। पहले लाइब्रेरी विंडो को स्क्रीन के केंद्र में लाएं। अब हम मेन्यू बार और ऑप्शंस को स्पष्ट देख सकते हैं। अनसॉर्टेड फोल्डर से याहू बुकमार्क चुनें। बायां माउस बटन दबाएं और बुकमार्क को बुकमार्क्स मेन्यू पर ड्रैग करें। सुनिश्चित करें कि कर्सर बुकमार्क्स मेन्यू पर हो। बुकमार्क्स मेन्यू खुलता है। माउस सूचक मेन्यू पर रखें और बायां माउस बटन छोड़ दें। अब बुकमार्क्स मेन्यू पर क्लिक करें। अब याहू बुकमार्क बुकमार्क्स मेन्यू पर दिखाई देता है। सीधे लाइब्रेरी विंडो से बुकमार्क खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। अब लाइब्रेरी विंडो बंद करें। फायरफॉक्स आपको बुकमार्क्स को क्रमबद्ध भी करने देता है। बुकमार्क्स को नाम से क्रमबद्ध करें। मेन्यू बार से व्यू पर क्लिक करें, साइड बार चुनें और फिर बुकमार्क्स पर क्लिक करें। बुकमार्क्स साइड बार बाएं पैनल में खुलता है। google.com को फिर से बुकमार्क करें। बुकमार्क्स साइड बार से अनसॉर्टेड बुकमार्क्स फोल्डर चुनें और उस पर दायां क्लिक करें। सॉर्ट बाय नेम चुनें। बुकमार्क्स नाम से क्रमबद्ध होते हैं। आप बुकमार्क्स को स्वतः से भी पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। बुकमार्क्स साइड बार से बुकमार्क्स मेन्यू फोल्डर पर क्लिक करें और उसे खोलें। आगे अनसॉर्टेड बुकमार्क्स फोल्डर पर क्लिक करें और उसे खोलें। माउस स्पोकन ट्यूटोरियल बुकमार्क पर ले जाएं। अब बायां माउस बटन दबाएं और बुकमार्क को बुकमार्क्स साइड बार के उबंटू एंड फ्री सॉफ्टवेयर फोल्डर तक ड्रैग करें। माउस बटन छोड़ दें। बुकमार्क उबंटू एंड फ्री सॉफ्टवेयर फोल्डर में ले जाया गया है। आपके द्वारा बुकमार्क्स साइड बार में किए गए परिवर्तन बुकमार्क्स मेन्यू से भी प्रतिबिंबित होते हैं। आप बुकमार्क्स को स्वचालित रूप से भी क्रमबद्ध कर सकते हैं। मेन्यू बार से बुकमार्क्स पर क्लिक करें और शो ऑल बुकमार्क्स चुनें। दिखाई देने वाली लाइब्रेरी विंडो में बाएं पैनल से अनसॉर्टेड बुकमार्क्स चुनें। अब व्यूज, सॉर्ट और सॉर्ट बाय एडेड पर क्लिक करें। एड्रेस जिस क्रम में बुकमार्क के रूप में जोड़े गए थे उसी के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। क्लोज पर क्लिक करें। अंततः सीखते हैं कि इस वेब पेज को प्रिंट कैसे करें। पहले हम इस वेब पेज को प्रिंटिंग के लिए सेट करेंगे। फायरफॉक्स मेन्यू बार से फाइल पर क्लिक करें और पेज सेटअप चुनें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। पेज साइज A4 चुनें। पोर्ट्रेट के रूप में ओरिएंटेशन चुनें। अप्लाई पर क्लिक करें। सेटिंग्स कैसे लागू किए गए हैं यह जांच करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और प्रिंट प्रीव्यू चुनें। आप पेज को बिल्कुल वैसे देख सकते हैं जैसे वह प्रिंट के बाद दिखाई देगा। बाहर आने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। फायरफॉक्स मेन्यू बार से फाइल पर क्लिक करें और प्रिंट चुनें। स्क्रीन पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यहां हम जनरल टैब में जेनेरिक प्रिंटर ऑप्शन चुनेंगे। आगे रेंज फील्ड में ऑल पेजेस चुनें। कॉपीज में हम 1 चुनेंगे। ऑप्शंस टैब पर क्लिक करें और इग्नोर स्केलिंग एंड श्रिंक टू फिट पेज विड्थ चुनें। प्रिंट पर क्लिक करें। अगर प्रिंटर सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया है तो प्रिंटर प्रिंट शुरू करना चाहिए। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा बुकमार्क्स के बारे में। हमने यह भी सीखा कि बुकमार्क्स संयोजित कैसे करें, फायरफॉक्स पेज को सेटअप कैसे करें, प्रीव्यू और प्रिंट कैसे करें। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। एक नई मोज़िला फायरफॉक्स विंडो खोलें। 5 नई साइट्स पर जाएं। सभी को बुकमार्क करें। सभी बुकमार्क्स को एक नए फोल्डर में सेव करें। बुकमार्क्स को उल्टे वर्णमाला क्रम में संयोजित करें। अंतिम बुकमार्क की हुई साइट पर जाएं। प्रिंट के लिए वेब पेज सेटअप करें और इसे प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें।
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं, उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे भारत सरकार के MHRD के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।